जी सर, आपको पता है कि हमने ओ गवर्नर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि माली यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जरा सफाई तो हर जगह करवानी पड़ती है। हम तो ग्राउंड्स का चक्कर लगाने आए थे, गुम गए और अब आप मिल गए। नहीं, हम घूमने नहीं देते किसी को। आपको क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? वैसे मुझे पता है ग्राउंड्स खुले हैं, शायद गवर्नर हाउस नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, हम क्या गवर्नर हाउस भी देख सकते हैं? बिल्कुल, हम तो इसको हमने पूरी पाकिस्तान के लोगों के लिए लॉन्स वगैरह को खोल दिया है और इंशाल्लाह गवर्नर हाउस भी जल्द आवाम के लिए खोलने वाले हैं। फैंटास्टिक, थोड़ा प्रीव्यू हमें देंगे आप? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। पहले ये तो बताइए दैट सुबह आप कितने बजे उठते हैं? 8 बजे जी। और नाश्ते में क्या खाते हैं? नाश्ते में थोड़े से बादाम लेते हैं, थोड़ा सा अखरोट लेते हैं और फिर पोरेज या उबला हुआ अंडे। चाय या कॉफी? चाय। इन द मॉर्निंग चाय। इन द मॉर्निंग। हु इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग लीडर इन पीटीआई? हमादा सर फ्रॉम लाहौर। आप इतनी देर ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज को जानते थे, आप उनको मिले भी हैं, देखा भी है, हैरी और मेगन ने ठीक किया? देखिए जी, ये नौजवानों का अपना फैसला है, अब लोग बदल रहे हैं, लेकिन मैं खुद मॉनार्की के हक में हूँ। जब मैं जो हमारे मोस्टली लेबर एमपी हैं, खासकर जो लेफ्ट के हैं, वो कभी कभी मॉनार्की के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्रिटेन को बड़ा फ़ायदा हुआ है क्वीन एलिजाबेथ और उसकी पर्सनैलिटी से। अच्छा, वन वर्ड फॉर परवेज इलाही। मंजे हुए सियासतदान हैं। लोग कहते हैं कि साहिवाल ट्रेजेडी के बाद भी आईजी वाजंट रिप्लेस क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, इज दैट ट्रू? फॉल्स। ग्लासगो या लाहौर? लाहौर। गवर्नर के ऑफिस को टूथलेस कहा जाता है, आपने कोशिश भी नहीं की और किसी और ऑफिस के लिए? देखिए जी, ये तो बात दुरुस्त है आपकी कि गवर्नर का रोल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, लेकिन जब आप एक पार्टी में होते हैं तो पार्टी का जो कप्तान है, जो फैसला करता है, उस पे अमल करना होता है। अगर आपको कोई और ऑफिस अगर आप चूज करते थे तो आप कोई और ऑफिस चूज करते? जी, मेरा ख्याल पहले तो मैं फेडरल में मिनिस्टर ही बनने का ख्याल था। हमने सुना है आपको फुटबॉल का बहुत शौक है, बच्चों ने खेलते थे आप? इसलिए कि फुटबॉल जो है मेरे अपने हलका जो था ग्लासगो में, उसमें जो मशहूर क्लब हैं रेंजर्स और सेल्टिक, वो दोनों मेरे हलके में थे, तो मुझे वो मैच वहाँ देखने का मौका मिलता था, मुझे वो इनवाइट भी करते थे। तो वैसे भी पूरे स्कॉटलैंड में लोग जो हैं फुटबॉल को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वाओ गवर्नर साहब, यू हैव अ वेरी लार्ज हाउस। नहीं, हाउस नहीं है ये, ड्राइंग रूम है पब्लिक के लिए। अच्छा, ये ज़रा बताइए कि पब्लिक के लिए आप ये खोलना भी चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि आप चाहते हैं कि लोग आके देखें। इतने बड़े घर में आप काम करते हैं, आप यहाँ रहते भी हैं, आप कभी लोनली नहीं हो जाते? नहीं जी, बेगम साहब साथ होती हैं। और दूसरा, मैं इस घर में नहीं रहता, मैं तो अपने घर में रहता हूँ। ये तो पब्लिक का घर है, यू आर कम्प्लीटली राइट। नवाज या शहबाज? नवाज। नवाज शरीफ से आपका पुराना रिलेशन है, सब खत्म क्यों कर दिया? शहबाज शरीफ से भी पुराना रिलेशन है। अच्छा, ये बताइए, आई नो कि यहाँ पर आपका नाम दो दफ़ा आया है ऑन दिस पर्टिकुलर वन, दो दफ़ा आप गवर्नर रह चुके हैं, विच वॉज योर फेवरेट टेन्योर दिस एग्जिस्टिंग? पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। हाँ, प्लीज। कि 1849 से लेके 1947 तक यहाँ पर 33 गवर्नर रहे, और मैं भी अब जब से पाकिस्तान बना है 33rd गवर्नर हूँ। एंड आउट ऑफ दीज 66 गवर्नर्स, हर गवर्नर एक दफ़ा यहाँ पर रहा है, और आई एम दी ओनली वन इन दी 66 गवर्नर जिसकी पिक्चर जो है दरबार हाल में दो दफ़ा होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये साथ साथ आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतना गवर्नर जो होता है एक प्रोविंस का, उसको इतना कुछ दिया जाता है, लोगों के ख्याल में इतना लग्जूरियस लाइफ होता है, लेकिन आपने अभी खुद कहा दैट यू वुड प्रेफर बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर, व्हाई इज दैट? नो, इट्स नॉट अबाउट, इट्स व्हाट अबाउट टू डिलीवर फॉर द मासेस, फॉर द पीपल। इसलिए हमें लोगों ने पीटीआई को चुना है कि वी वांट टू ब्रिंग अ बेटर लाइफ फॉर द कॉमन मैन। अच्छा, पीटीआई में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? पार्टी के वर्कर्स। पार्टी के वर्कर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। डाइट या एक्सरसाइज?
Both. What do you miss the most about the UK? I miss London. You miss London? What do you miss the most about London? It's, you know, it's an international city. And when you come out from your office or come out from your house, you feel that this is a multicultural city, jisme tamam duniya ki nationalities ke log jo hain London mein hain. That makes us so beautiful and so powerful. Achha, aap itni der England mein rahe. How is your British accent? Ye badi dilchasp baat hai, aapne puchhi hai mujhse. Dekhen, sabse pehle to hum yahan jin gaon ke schoolon mein padhe hain, jo masteron ne hame padhaya hai, wo accent ka beeda gharak to wahin se shuru hua. Phir uske baad hum UK mein chale gaye. और यूके में जब गए हैं तो स्कॉटिश एक्सेंट था फिर आपको शायद मालूम होगा कि ग्लासगो ग्लास विजन का अपना एक एक्सेंट तो आप फिर अंदाजा कर लें कि मिक्सचर ऑफ पाकिस्तानी एक्सेंट इंग्लिश एक्सेंट स्कॉटिश एक्सेंट एंड ग्लास विजन एक्सेंट तो फिर जो हाल होना था वही होना था अच्छा गवर्नर साहब इतना खूबसूरत हॉल है आई थिंक दरबार हॉल से कहा जाता है इसके बारे में कुछ बताएंगे स्पेशली द पिक्चर्स ये जी दरबार हॉल है एक तो यहां पर जितने भी बैंकुटिंग हैं या सरकारी फंक्शंस होते हैं यहाँ होते हैं कब जब हल्फ़ वफ़ादारी मिनिस्टर्स का लिया जाता है या चीफ मिनिस्टर साहब का होता है या हाई कोर्ट के जजेस के होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के होते हैं तो यहाँ पर सारी वो एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ होती हैं और जो वो मेहमान बाहर से सरकारी मेहमान आते हैं उनको भी यहाँ पर डिनर जो है यहाँ अरेंजमेंट जो हैं वो की जाती हैं और उसके अलावा बहुत सी यहाँ पर तकरीबात हैं मसलन बुक लॉन्च है और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं ख़ासकर बच्चे जो हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चे यहाँ भी हम उनको बुलाते हैं डेफ एंड डम बच्चों को भी बुलाते हैं थैलासीमिया के लड़कों को भी जाते हैं ऑर्फन जो हैं उनको भी बुलाते हैं यहाँ पर जो हमारे व्हील्स चेयर के लोग हैं उनको भी बुलाते हैं तो ये एक हाउस जो है माशाल्लाह एक एक्टिविटी यहाँ पर हर वक्त हम जनरेट रौनक लगती रहती है ऑलवेज अच्छा ये पिक्चर्स का स्पेसिफिकली कुछ बताएंगे काफ़ी ओल्ड पुरानी लग रही है और थोड़े से गोरे ये मैं सिस्टम आपको ये भी बता दूं कि जब मैं 2013 में गवर्नर बना था तो ये सारी पिक्चर ऊपर गैलरी में लगी हुई थी अच्छा तो मैंने एक दिन अपने स्टाफ से पूछा कि मैं एक साल हो गया है यहाँ पर मैंने कोई शख्स जो है ऊपर जाता नहीं देखा तो इन तस्वीरों बेचारों का क्या कसूर है कि उन्होंने आपने ऊपर इनको टांगा हुआ है तो जब मैंने रिज़ाइन करना था तो उससे एक महीना पहले मैंने उनसे कहा कि भाई मैनू भी उत्ते ही टंगण दे तो मैंने इनसे कहा कि सब तस्वीरें जो हैं नीचे लेके आओ तो ये तस्वीरें जो हैं जब मैं पिछली दफ़ा गवर्नर था गैलरी से नीचे लेके आया था और ये सारे लोग जो हैं ये तमाम लोग जो स्कॉटलैंड से ब्रिटेन से यहाँ गवर्नर्स रहे हैं और उनका जो टेन्योर है उनकी तस्वीरें हैं और उसके बाद जो पाकिस्तानी ओरिजिन के गवर्नर बने हैं उनकी सारी तस्वीर और आपकी शायद दो दफ़ा लगी हुई जी मेरी नहीं दो दफ़ा लगेगी जी एक वो लगी हुई है एक अब जब रुखसत होऊंगा यहाँ से वहाँ लगेगी एग्जैक्टली वेरी इंटरेस्टिंग गवर्नर साहब ये बताइए शादी लव होनी चाहिए अरेंज्ड जो मेरा जी एक्सपीरियंस है अपनी ज़िंदगी का लोगों से मिलने का अरेंज मैरिजेज आर मोर सक्सेसफुल दैन लव मैरिजेज इमरान खान की सबसे अच्छी बात क्या है इस सबसे अच्छी बात यह है कि वो ईमानदार है मान विद इंटीग्रिटी है सीएम बुजदार के बारे में आपका क्या ख्याल है अच्छा आदमी है अच्छा आदमी है शरीफ इंसान है लोग कहते हैं कि नया पाकिस्तान एक फार्स है क्या आप अग्री करेंगे नहीं मेरा तो ख्याल नहीं है सिंसियरिटी के साथ मेरा ख्याल है इमरान खान और उनकी टीम जो है एक ऐसा पाकिस्तान बनाने के लिए काफिशें कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान बनाए जिसका ख्वाब कैद आजम मोहम्मद अली जना और अलामा इकबाल ने देखा अच्छा गवर्नर साहब ये कमरा भी बहुत प्यारा है इसके बारे में कुछ बताएंगे ये डाइनिंग हॉल है जी हमारा और यहाँ पर जो 15-20 लोगों का डिनर होना होता है कुछ स्पेशल गेस्ट आते हैं तो उनके लिए खोलते हैं या आम हालात में यहाँ बुफे हम कर देते हैं वहाँ लोग होते हैं यहाँ खाना का अच्छा एक गाना तो गुनगुना दें एक गाना तो सुना दें इतना खूबसूरत हॉल है एक काम जिंदगी कभी किया ही नहीं चलें हमने अगले सवाल पर आती हूँ जो थोड़ा सा आपको पता नहीं पसंद आया नहीं आपकी चमकती स्किन का क्या राज है आपकी चमकती स्किन अच्छा आपकी स्किन बहुत अच्छी है लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं यू हैव वेरी नाइस स्किन थैंक यू वेरी मच फॉर दी कॉम्प्लीमेंट पहले तो मैं ये कहूँगा दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ बड़े सुकून की नींद सोता हूँ
इसलिए कि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, अगर अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, बिज़नेस दी है, ओहदा दिया है, तो मेरे जो इख्तियार में है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी अप्रेस्ड लोग हैं, मजलूम हैं, उनकी मदद करता हूँ, उनके साथ खड़ा होता हूँ, उनको खुश देख के मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है। How fascinating and lovely. सीर एंड ट्रैवलर ने लिस्ट किया है पाकिस्तान को अमंग द टॉप 20 डेस्टिनेशंस टू विजिट इन 2020. व्हाट इज द वन प्लेस इन पाकिस्तान व्हिच एवरीवन शुड विजिट? आई टेल यू द लव एंड हॉस्पिटैलिटी इन पाकिस्तान इज द बेस्ट. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू पाकिस्तान जो पहली दफ़ा यहाँ आने से घबराते हैं. जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी देखते हैं, यहाँ इंजॉय करते हैं, तो फिर वो वापस आना चाहते हैं. और मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ टूरिस्ट की हमारे खुश अखलाक लोग हैं. आपकी बहावलपुर में चाय इंजॉय करते हुए पिक्चर बहुत वायरल हुई, उसकी बैक स्टोरी क्या है? अच्छा, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था. बड़ी तैयारी करके आप आई हैं. जी, हम कोशिश करते हैं. जी, उसकी स्टोरी ये है कि बहावलपुर में कन्वोकेशन था और उस कन्वोकेशन को मैंने अटेंड करना था. मैं, बहुत लंबा सफ़र है, तो मैंने गवर्नमेंट का जहाज़ नहीं लिया, मैंने अपने दोस्त का जहाज़ लिया. उसने उसमें जो है खर्चा जो है उसका दिया. वहाँ पर रेस्ट हाउस में एक में मैं ठहरा. वहाँ पर रात का खाना भी दोस्त के घर से मंगवाया, सुबह का नाश्ता भी दोस्त से घर से बनवाया. खूबसूरत झील थी, वहाँ पर एक बोट थी और उस बोट में बैठ गए और इससे बड़ा इतना बड़ा बन गई बात के जैसे पता नहीं क्या हो गया. नहीं, लोगों ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए था. 100% बहुत अच्छी पिक्चर थी. अच्छा, आई हैव वन और टू क्वेश्चंस. आई नो आपकी मीटिंग आपने जाना है. एक ऐसा शख्स जिसकी आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते? नहीं, मैं तो जो है कभी किसी से मैं नफरत नहीं करता. मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक पैदा किया है और किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए. मेरे बदतरीन जो दुश्मन हैं, मैं उनसे भी कभी नफरत नहीं करता. अच्छा, ये जो गवर्नर हाउस है, आपसे एक सवाल पूछे क्योंकि आप यहाँ होते हैं एवरी डे, क्या ये हॉन्टेड है? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात नहीं. कोई जिन्न? मैं तो, मुझे कहते थे लोग, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये वाकया हुआ, वो हुआ. आपको पता है स्टोरीज तो चलती हैं, लेकिन कम अज कम मैं नहीं इस बात पे. व्हाट लेगेसी डू यू वांट टू लीव बिहाइंड? मेरी, अगर कोई पूछे कि मेरी लेगेसी क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हर इंसान जो दुनिया में आया है, जिसके पास बेशक कम पैसा है, हर बंदा जो है किसी को कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई अच्छा काम जो है कर सकता है. अल्लाह ताला ने हर एक को सलीह दी है. तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं पंजाब में अगले 4-5 सालों में लोगों को पीने का साफ पानी दे सकूं, इसलिए कि पंजाब में और पाकिस्तान में 50% लोग जो हैं वो बीमारियों की वजह से अस्पतालों में हैं और 50% लोगों की अमवात जो हैं वो वाटर रिलेटेड डिजीज से होती है. थैंक यू गवर्नर साहब फॉर योर टाइम. सो काइंड ऑफ यू कि आपने हमें टूर दिया और इतना अपना टाइम निकाला फॉर अस. थैंक यू. थैंक यू जी, आपने पूरे सवाल भी पूछ लिए. मैंने पूरे सवाल पूछ लिए. एग्जैक्टली. थैंक यू. थैंक यू जी. थैंक यू. गुड टू सी यू.